गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह है। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर। दमोजे लेके हथनी के पास बस पर पथराव करने का मामला सामने आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि बालाघाट से तीर्थ यात्री बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे थे। वहीं हथनी के पास लगभग सुबह के समय बस पर अचानक पथराव करने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 से 4 लोगों के द्वारा बस में हमला किया गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर एडिशनल SP के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। कुछ लोगों के द्वारा बस पे पथराव किया गया है, क्या कैसा मामला है? देखिए, अभाना और नोटा के बीच में कल रात को हथनी के बीच में घटना हुई थी, उसको लेकर रिपोर्ट हुई है और थाना प्रभारी से मेरे द्वारा थाना प्रभारी संबंध जानकारी दी गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि सर वहाँ पथराव हुआ था, बस खड़ी रही, वो लोग फिर लिख कर दे गए, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, उनके साथ खुद के साथ कोई घटना ऐसी नहीं घटी है जो लूटपाट टाइप की। सर बस के कांच वगैरह भी फूटे रहे? हाँ, कांच वगैरह फूटे हैं, किसी ने पथराव कर दिया था वहाँ। जी, आपके साथ क्या हुआ, क्या घटना हुई है? रात में मैं बालाघाट से सवारी लेके आ रहा था, यहाँ ना दमोह होके बागेश्वर धाम जा रहा था। बागेश्वर धाम जाते जाते ये रास्ते में हथनी के पास कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा पथराव किया गया, जिसमें सामने की फ्रंट कांच और बाजू की 2 कांच टूट गई थी और यात्रियों को भी चोट आई थी। इसमें 100 नंबर डायल किए तो 100 नंबर वाले आके आश्वासन दिए कि अज्ञात द्वारा किए गए अपराध को कायम किया जाएगा। आपका कितना नुकसान हुआ इसमें? कम से कम 30,000 रुपये का नुकसान हो गया इसमें। किस कारण उन्होंने पत्थर मारे आपकी बस पर? ये तो जानकारी नहीं है, अब स्पॉट में कोई रहा ही नहीं, तो वो भाग गए, जैसे गाड़ी रोके हम लोग स्पॉट में तो उन लोग भाग गए। तो कोई चोटिल भी हुआ है? हाँ, दो यात्रियों को चोट आई, उनको लूट करने की कोशिश की जा रही है, गाड़ी किसी भी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो हम लूट करें तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जी नहीं, उसमें सब यात्री नीचे आ गए तो वो भाग गए या छिप गए वहीं। कितने लोग थे? तो 3 से 4 लोग रहे। तो आपके द्वारा पुलिस में आवेदन दिया गया? जी, पुलिस में आवेदन दिया गया है, थाने जाके नहीं दिया गया, वो 100 नंबर आई थी उसी में जानकारी दी गई है, तो नोएडा पुलिस स्पॉट में आके कार देखो मेरे को आगे जाना रहा, कांच लगवा के वहाँ वापस नहीं जा पाया। क्या नाम है आपका? विनय ठाकुर। कहाँ के निवासी हैं? जिला मंडला।